हाई एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम टू माई कविराज डेली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड अभी मेरे पति आए हैं घर और अब मैं उनको दोबारा भेज रही हूँ। सो गाइस, आज हम बनाएंगे झोली। कैसे बनाते हैं? सरसों का तेल डाला है, ये अच्छे से निकल रहा है, पक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा। जीरा खाने में स्वाद देता है, सो इसीलिए जीरा। देन हम अपने प्याज पकड़ के प्याज डाल देंगे। आपको एक में रखनी है थोड़ा सा तेल, ताकि आपके प्याज अच्छे से भून सके। गैस कर लेंगे कम, 3 मिनट। ये है हमारे मसालों का डब्बा, हाफ नमक एंड हल्दी, थोड़ी और। करेंगे बेसन लेंगे, ये है मेरे पास पतंजलि का बेसन, ठीक है। बेसन अब हम इसमें डालेंगे, हाफ बाउल बेसन डालेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब पक रहा है, ठीक है, भून लेंगे हम इसे अच्छे से। हमारे पास है मट्ठा, यहाँ डालेंगे दही डाल दिए, ये है मेरे पास कस्तूरी मेथी जो मम्मा ने सुखाई थी। अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया, अभी हो गए 20 मिनट मेरी झोली को, लेट्स सी कि कैसी हो रही है। टन 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 टन, क्या मैं ऐसी छोड़ के गई थी झोली? नो, झोली को मैं कैसी हो, कुछ और ही छोड़ के गई थी। यहाँ तो बड़ी प्यारी झोली हो गई है। सो आप लोग भी 20 मिनट में बनाए झोली। सो गाइज, टुडे मैं बनाऊंगी नूडल्स। तो गोभी है मेरे पास और प्याज है, लेट्स कट बोथ। सो मेरे पास है हेयर देसी चाइनीज का कॉम्बो पैक, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। पनीर चिली मसाला तेरे तो, लेट्स सी पनीर चिली मसाला। और ये है वेज मंचूरियन मसाला, आई वॉन्ट नूडल्स मसाला, हक्का नूडल्स मसाला, ये रहा मसाला, इसको फाड़ते हैं। ये है चिंग्स मसाला, यहाँ मैंने प्याज एंड गोभी काटी, ये हक्का नूडल्स है मेरे पास, लेट्स ट्राई। सो यहाँ पे मैंने पानी में मैगी डाल दी है एंड ये अभी हम फ्राई करेंगे। ये मैगी का मसाला है और ये चिंग्स की मसाले हैं, तो लेट्स ट्राई बोथ। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम टू माय कविराज डेली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। तो आज मैं बना रही हूँ हक्का नूडल्स, और नूडल्स आप लोग कह सकते हैं सिंपली, मैंने अभी जस्ट नूडल्स यहाँ पे रख दिए हैं और मैंने प्याज चॉप कर लिया है, गोभी एंड शिमला मिर्च। एंड हियर इज़ माय मसाला चिंग्स का एंड नूडल्स मसाला आल्सो।
सो मैं आपको सारी रेसिपी दिखाऊंगी। अभी जैसे मैंने पानी में बॉईल किया है मैगी, और टिल देन हम लोग नूडल्स और उसके अभी जैसे वो बॉईल होता है उसके बाद हम तुरंत अपने गैस में तेल रखेंगे, और आप लोग घी भी रख सकते हो। और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी कुकिंग। और गाइस, तो मुझे जो कमेंट किया आप लोग क्या करते हो, और शाम के टाइम आप लोग को क्या खाना ज़्यादा पसंद है। मुझे तो कुछ मतलब यू नो चटर बटर खाना बहुत पसंद है। मैं या तो कॉफ़ी के साथ ब्रेड खाती हूँ और शाम को, या फिर ये नूडल्स वगैरह थोड़ा सा खा लेती हूँ। ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा बहुत लिटिल बिट, वो अच्छा होता है, हेल्दी होता है, टेस्ट आपको अच्छा आ जाता है। एंड हेयर मेरा किचन की तो ऐसी हो रखी, अभी जब किचन में जब मैं पूरा खा खो के साफ कर लूँगी ना, तब मैं आप लोगों को अपना किचन दिखाऊँगी, ठीक है। तो हेयर मैंने रखा है तेल, और यहाँ पर मेरी कुछ प्याज चॉप्ड, मैं सारी चीज़ें इकट्ठे डाल दूँगी, हम डीप फ्राई कर लेंगे उसे। एंड शेजवान मसाला, इसमें मटर भी है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो हमने इतना इनफ है इसमें, क्योंकि ओनली मी हूँ फॉर लाइक दिस। I'm sure you will definitely love this, and this is the last you know, here's the noodles final look. So here is the noodles and foodie. High time to tell you, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आई मीन आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हेल्दी इसलिए आटा नूडल है, दूसरी चीज़ इसमें गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है, एवरीथिंग है, यू कैन सी। सो गाइस, इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट, एंड देखते हैं आगे अभी हम क्या करें। रा 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 सारंगे, पकड़ के मेरे को भी दिखाओ। डिसइंटरेस्टेड आदमी, हाँ दो।